Good morning, students. How are you all? Students, in my previous video, we have studied about census and sample method of data collection, and we have studied about non-probability sampling and its different kinds. And in this video, I will take you through the concept of non-probability sampling and its different kinds. I will discuss the different kinds of non-probability sampling in detail. So let us start. First, we will see the definition of non-probability sampling. Non-probability sampling is a type of sampling in which items are collected deliberately. Non-probability sampling एक इस तरीके का sampling method है जिसमें कि हम items को deliberately pick करते हैं, sample को deliberately pick करते हैं. अब non-probability sampling further थ्री टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज परपजिव सैम्पलिंग, द सेकेंड वन इज वोटा सैम्पलिंग एंड थर्ड वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स वन बाय वन इन डिटेल. सो लेट अस स्टार्ट विथ परपजिव सैम्पलिंग. स्टूडेंट्स, परपजिव सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग, इज अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग मैथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द च्वाइस of sample items which in his opinion are the best representative of the universe. इस sampling methodology में जो investigator है वो उन्हीं items को as a sample pick करता है जो उसके विचार से पूरे universe को सबसे अच्छे तरीके से represent करते हैं. इस तरीके के sampling methodology को हम परपजिव सैम्पलिंग मेथड कहते हैं. अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हम देख लेते हैं. अगर हम मेरिट्स की बात करें तो इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू इंक्लूड आइटम्स विच आर ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस. मतलब कि ये मेथड हमें ये फ्रीडम देता है कि हम उन आइटम्स को भी पिक करें, उन आइटम्स को भी चूज करें एज आवर सैंपल जो कि कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस रखते हो पूरे यूनिवर्स में. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें तो हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के एग्जाम्पल को ले सकते हैं. सपोज हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटर डेलिबरेटली टाटा इंडस्ट्रीज को पिक करेगा. अब क्यों करेगा? क्योंकि टाटा इंडस्ट्रीज इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है और वो पूरे के पूरे इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करता है. यानी कि इफ द इन्यूमरेटर और द इन्वेस्टिगेटर इज पिकिंग टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एज अ सैंपल, ही वुड बी एबल टू एक्वायर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन विच विल बी रिलायबल. फाइन. And the second merit is selection of items can be deliberately tuned to the purpose of investigation. Fine. यानी कि जो investigator है वो अपने purpose के according या अपने survey के subject के according samples selection को tune कर सकता है, ठीक है, अपने sample selection के process को अपने survey के subject के according ट्यून करने की भी फ्रीडम हमें परपजिव सैंपलिंग में मिलती है. फाइन. अब डिमेरिट्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं. तो जो सबसे बड़ा डिमेरिट है वो ये है कि इस सैंपल मेथडोलॉजी में इन्वेस्टिगेटर कभी कभी पर्सनली बायस हो जाता है या पर्सनल बायसनेस के चांसेस इस सैंपलिंग मेथड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. बायस का मतलब पक्षपात करना. सपोज जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का, तो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एक बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के यूनिवर्स का. लेकिन इन्वेस्टिगेटर ने पर्पजली या इंटेंशनली इस कंपनी को यानी कि टाटा इंडस्ट्रीज को पिक न करके किसी ऐसे कंपनी को पिक कर लिया जो कि जिसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है.
तो यहाँ पे पर्सनल बायसनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, नॉट रिलायबल, मीन्स वट एवर द डेटा, वट एवर द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटर विल फेच फ्रॉम दिस सर्वे प्रोसेस और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, दैट डेटा विल नॉट बी रिलायबल। यू नो व्हाई? मैंने पहले ही बताया कि इसमें बायसनेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है अपने इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो इन्वेस्टिगेटर है वो किसी पर्टिकुलर आइटम को लेके बायस्ड हो गया हो, तो जो रिलायबिलिटी है या जो हमें एक्चुअल डेटा मिलना चाहिए था वो न मिलके हमें कोई और डेटा मिल जाए जो कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के पर्पज को बहुत ज्यादा सूट न करता। ठीक है, तो हमने दो मेरिट्स देखी, पहला पर्सनल बायसनेस और दूसरा नॉट रिलायबिलिटी। तो इस तरीके से हमने पर्पजिव सैंपलिंग को डिस्कस किया। द नेक्स्ट सैंपलिंग मेथोडोलॉजी इज कोटा सैंपलिंग। सो स्टूडेंट्स, कोटा सैंपलिंग इज दैट सैंपलिंग मेथड इन विच होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सर्टेन कोटा इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ग्रुप। मीन्स इन दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग द होल यूनिवर्स और द होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन ग्रुप्स बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स सर्टेन कोटा इज गिवन टू ईच एंड एवरी ग्रुप एंड अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ द कोटा विच इज गिवन टू ईच एंड एवरी ग्रुप सैंपल्स आर पिक्ड एज पर द परसेंटेज ऑफ कोटा गिवन टू ईच एंड एवरी ग्रुप। बट इट्स नॉट मैंडेटरी दैट वट एवर द परसेंटेज यू हैव गिवन टू ईच एंड एवरी ग्रुप यू आर गोइंग टू पिक द सैंपल्स इन दैट परसेंटेज ओनली। इट्स नॉट मैंडेटरी, यू कैन पिक एनी नंबर ऑफ सैंपल्स। फाइन, सो कोटा सैंपलिंग बेसिकली एक सैंपलिंग मेथड है जिसमें कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को अलग अलग ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं और ये डिवीजन किसी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे होता है और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम सर्टेन परसेंटेज ऑफ कोटा ईच एंड एवरी ग्रुप को प्रोवाइड कर देते हैं और जिस परसेंटेज में हमने कोटा प्रोवाइड किया है उसी परसेंटेज में हम उसमें से सैंपल्स को पिक कर लेते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि जो परसेंटेज हमने पर्टिकुलर ग्रुप को प्रोवाइड किया है एज अ कोटा हम उसी परसेंटेज से सैंपल्स को पिक करें, हम कोई किसी भी नंबर में सैंपल्स को पिक कर सकते हैं। फाइन, तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम। इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम में जो सोसाइटी में डिफरेंट कास्ट हैं, कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी को कास्ट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है और उसके बेसिस पे सर्टेन कोटा प्रोवाइड किया गया है लाइक एससी एसटी ओबीसी जनरल। तो सपोज किसी कॉलेज में कोई एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है एंड कॉलेज ने जो एप्लीकेंट्स मांगे हैं उनको सर्टेन कोटा के अकॉर्डिंग उनसे एप्लीकेशन फॉर्म्स मांगे गए हैं। फाइन, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है कोटा का। और अगर हम इस मेथड का यूज करके कोई सर्वे या कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं तो हम जो है डिफरेंट ग्रुप में जो भी कोटा प्रोवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल्स को पिक कर सकते हैं। फाइन, तो अब हम इस सैंपलिंग मेथड के मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी देख लेते हैं। तो जो पहला मेरिट है, पहला क्या एक ही मेरिट है इस कोटा सैंपलिंग का, वो ये है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये मेथड, जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और जो डिमेरिट है वो ये कहता है कि इसमें इस मेथोडोलॉजी में हाई लेवल ऑफ पर्सनल बायसनेस होती है। फाइन, द नेक्स्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज कन्वीनियंट सैंपलिंग एंड इन दिस मेथड सैंपलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच ए मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस, यानी कि अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो सैंपल्स को पिक करता है। For example, if an investigator is picking the teachers as a sample from a school, he can pick just by referring to the prospectus of the school. Yani ki sirf aur sirf school ke prospectus ko hi dekh ke wo
स्कूल के टीचर्स को एज ए सैंपल पिक कर सकता है, यानी कि ये कन्वीनियंट है विदाउट गोइंग टू स्कूल और विदाउट अप्रोचिंग ईच एंड एवरी टीचर्स. ही इज जस्ट रेफरिंग टू द प्रोस्पेक्टस ऑफ द स्कूल एंड ही इज कलेक्टिंग द डिटेल्स ऑफ द डिफरेंट टीचर्स फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोस्पेक्टस एंड ही इज पिकिंग अप द सैंपल्स. मीन्स अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो सैंपल्स को पिक कर सकता है. फाइन, मेरिट्स में ये लेस एक्सपेंसिव है, स्कूल जाना नहीं पड़ा, हर एक टीचर से मिलना नहीं पड़ा, टाइम भी नहीं लगा, आपका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी बहुत कम है, आपने बस प्रॉस्पेक्टस को देखा और टीचर्स को एज ए सैंपल पिक कर लिया. डिमेरिट्स में बहुत ही अनसाइंटिफिक और अनरिलायबल मेथड है इस, क्योंकि इसमें जो भी आपको डेटा मिलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसकी रिलायबिलिटी बहुत कम होगी. तो इस तरीके से हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखा और इसके डिफरेंट टाइप्स को देखा. डिफरेंट टाइप्स में हमने परपज्यू सैम्पलिंग को पढ़ा, हमने कोटा सैम्पलिंग को पढ़ा और हमने कन्वीनियंस सैम्पलिंग को भी पढ़ा. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा. Reliability of sampling data means characteristic of universe are fully represented by the sample and it depends on the following points. The reliability of sampling data depends on the size of sample, the method of sample, bias of correspondent and enumerators and training of the enumerator. एक एक करके हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो हम इसे समझ लें कि reliability of sampling data का मतलब क्या है. इसका मतलब जैसे यहां पे लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्स आर फुली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल, यानी कि जो भी हमने सैंपल पिक किया है वो यूनिवर्स के या पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करे, ठीक है. अदरवाइज जो इंफॉर्मेशन मिलेगा हमारे इंक्वायरी का वो रिलायबल नहीं होगा, ठीक है, हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते. तो ये रिलायबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है? तो सबसे पहले साइज ऑफ सैंपल. द रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल डाटा डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ सैंपल विच वी हैव पिक्ड. अगर सैंपल साइज बहुत छोटा होगा तो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो यहां पे जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा दैट विल नॉट बी रिलायबल एंड एक्यूरेट. द सेकेंड वन इज मेथड ऑफ सैम्पलिंग. रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ सैम्पलिंग विच वी आर गोइंग टू टेक फॉर आवर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्वे. सपोज हमने गलत मेथड पिक कर लिया, गलत मेथड चूज कर लिया और उससे जो भी हमने सैंपल पिक किया वो पूरी की पूरी तरीके से एडिक्वेटली पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, देन व्हाट एवर द डेटा, व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन वी विल फेच फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, दैट डेटा विल नॉट बी रिलायबल. एंड द थर्ड पॉइंट ऑन विच रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा डिपेंड्स ऑन द बायसनेस ऑफ करेस्पॉन्डेंट एंड इन्यूमरेटर्स. इस बात पर भी बहुत डिपेंड करता है रिलायबिलिटी सैम्पलिंग डेटा का. अगर करेस्पॉन्डेंट या एन्यूमरेटर बायस्ड हैं किसी पर्टिकुलर आइटम को लेके, किसी पर्टिकुलर जियोग्राफी को लेके, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर सैम्पलिंग मेथड को लेके, तो वहां पे जो रिलायबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी. इसलिए एन्यूमरेटर को या इन्वेस्टिगेटर को, करेस्पॉन्डेंट को बहुत ज्यादा बायस नहीं होना चाहिए, पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए. एंड द लास्ट वन इज ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्यूमरेटर है या जो इन्वेस्टिगेटर है, इफ दैट इन्वेस्टिगेटर इज नॉट वेल ट्रेन्ड विद द डिफरेंट मेथोडोलॉजी ऑफ सैम्पलिंग मेथड, ही वोंट बी एबल टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑफ द सर्वे प्रोसेस इफेक्टिवली एंड वॉट एवर द डेटा ही विल फेच फ्रॉम दैट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस विल नॉट बी रिलायबल. फाइन, सो the reliability of sampling data depends on the size of sample, method of sampling, biasness of correspondent and enumerator and the training of enumerator, correspondent or investigator. So students, the last topic of this particular chapter is census and sampling a comparison. Now we will see the
कंपैरिजन बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज. फाइन, द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ कंपैरिजन इज कवरेज. तो कवरेज के बेसिस पे अगर हम सेंसस और सैंपल मेथड को कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि सेंसस मेथड में वाइड एवरेज वाइड कवरेज हमें मिलता है. सेंसस मेथड में वाइड कवरेज मिलता है और सैंपलिंग मेथड सिर्फ उन्हीं पॉपुलेशन उन्हीं आइटम्स को कवर करता है जिसको कि एज अ सैंपल पिक किया गया है. सुटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो सेंसस मेथड होता है स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल होता है और सैंपल मेथड लार्ज एरिया के लिए सुटेबल होता है. सैंपल मेथड लार्ज एरिया के लिए सुटेबल होता है क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है तो हमें पूरे के पूरे पॉपुलेशन को कवर अप नहीं करना है. पूरे के पूरे पॉपुलेशन के हर एक आइटम को हमें पर्सनली नहीं मिलना है. हमें उनमें से किसी फिक्स सैंपल्स को पिक करना है, फिक्स आइटम्स को पिक करना है और उनके बेसिस पे उनके ऊपर जो हमें अपने इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करना है. और जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी के बेसिस पे अगर हम सेंसस मेथड को देखें तो इसमें जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है उसकी जो एक्यूरेसी की डिग्री होती है बहुत ज्यादा हाई होती है और सैंपलिंग मेथड में जो भी हमें डेटा मिलता है बहुत लेस एक्यूरेट होता है, बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होता है. लेकिन एक और चीज है इसमें, इसमें जो भी एरर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी हमें डेटा मिलता है अगर उसमें कुछ एरर है तो उस एरर को हम इजिली ट्रैश आउट कर सकते हैं. बट सेंसस मेथड में एरर को ट्रैश आउट करना बहुत मुश्किल होता है. कॉस्ट की बात करें तो सेंसस मेथड में इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है. सैंपल मेथड में जो रिसर्च प्रोसेस या इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है बहुत कम एक्सपेंसिव होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है. और अगर हम टाइम के क्राइटेरिया पे कंपैरिजन करें सेंसस और सैंपलिंग मेथड में तो सेंसस मेथड में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और सैंपलिंग मेथड में टाइम कम लगता है. नेक्स्ट अगर हम नेचर की बात करें, नेचर ऑफ आइटम्स सेंसस मेथड और सैंपल मेथड में, तो सेंसस मेथड में जो पॉपुलेशन में जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं उनका नेचर जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है. यानी कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स के आइटम्स मौजूद होते हैं और उनपे हम अपने रिसर्च प्रोसेस को इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं. लेकिन सैंपलिंग मेथड में जो भी पॉपुलेशन को हम पिक करते हैं या जो भी सैंपल्स को हम पिक करते हैं वो होमोजीनियस नेचर का होता है. यानी कि एक ही तरीके का होता है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. यानी कि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में. फाइन, और अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें सेंसस मेथड और सैंपलिंग मेथड में, तो सेंसस मेथड में वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है और सैंपलिंग मेथड में वेरिफिकेशन पॉसिबल है. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है एंड आई एम लीविंग यू विद दिस एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैव अ गुड डे.